सितंबर इंटेक के लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं वो लगभग अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ से इन्विटेशन लेटर आने के बाद में फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए फाइल कर सकता है। तो कैंपस ब्रांच में हम क्या करते थे, यूजुअली अपने सारे अकेडमिक्स कैंडिडेट नीड टू विजिट द नियरेस्ट VFS ऑफिस, यूजुअली नॉर्थ रीजन के लिए दिल्ली में जाता है कैंडिडेट। रेस्ट जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक इंश्योरेंस हो गया, फ्लाइट टिकट हो गया, अकोमोडेशन हो गया, वो सारा सेम है। स्टूडेंट को इंश्योरेंस चाहिए मिनिमम जो उसको 30,000 यूरोस का हेल्थ कवर प्रोवाइड करता हो, साथ में इनिशियल अकोमोडेशन, तो 1 मंथ का अकोमोडेशन वी प्रिफर्ड कि स्टूडेंट 1 मंथ का अकोमोडेशन बुक करके जाए। अकोमोडेशन के लिए समटाइम्स यूनिवर्सिटी भी हेल्प करती है, यूनिवर्सिटी आपको जो उसके सजेस्टेड अकोमोडेशंस होते हैं वो प्रोवाइड करती हैं। वहाँ पे स्टूडेंट इनिशियल डिपॉजिट करके अपना रेंट एग्रीमेंट ले सकता है और स्टूडेंट वो रेंट एग्रीमेंट शो कर सकता है, या फिर हम डोरमेट्रीज में रह सकते हैं। डोरमेट्रीज में जनरली जो मंथली एक्सपेंसेस आते हैं वो समवेयर अराउंड 200-300 यूरोज ही आते हैं। डोरमेट्री में सिनेरियो ये होता है कि अराउंड 10-15 स्टूडेंट्स के बीच में वो डोरमेट्री शेयर होती है। स्टूडेंट को इंडिविजुअल अपने अलमीरा वगैरह वो सारा सब कुछ इंडिविजुअल मिलता है, लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो कम आती है। अदरवाइज स्टूडेंट booking.com से भी अपना अकोमोडेशन बुक कर सकता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट जब अपने वर्क वीज़ा पे 4-5 ईयर्स के लिए वहाँ रहता है तो स्टूडेंट कैन फाइल फॉर PR वेल। GMAT की रिक्वायरमेंट नहीं, GMAT इज नॉट एन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बट अगर स्टूडेंट का प्रोफाइल वीक है और वो पब्लिक यूनिवर्सिटी कंसिडर कर रहा है तो फिर अगर उसके पास GRE और GMAT या सेट का स्कोर है तो डेफिनेटली इट विल गिव एन एडवांटेज। 6.0 नॉट लेस देन 5.5। लाटवियन है बट लाइक वहाँ पर मोर देन अराउंड 90-95% इंडिविजुअल्स यूज टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली। PTE, TOEFL, डुओलिंगो कंसिडर इतना नहीं होता तो, लेकिन PTE, TOEFL, लैंगसर्ट हो गया, IELTS हो गया, ये सारे एग्ज़ाम कंसिडरेबल है। नहीं, इंग्लिश स्कोर का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर स्टूडेंट का प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है तो डेफिनेटली स्टूडेंट को MOI के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप सब अवेयर है ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि आपका प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देता है या फिर आपका रीसेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आपने आइदर बैचलर्स किया है या अपना सीनियर सेकेंडरी किया है, वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं और मेंशन करते हैं कि आपने जितना भी अभी तक वहाँ से स्टडीज़ किया है वो सारा इंग्लिश में है। तो वो पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट होता है उसको हम बोलते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यूरोप में काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MOI के बेसिस पे स्टूडेंट को एडमिशन प्रोवाइड करती हैं। इवन एम्बेसी में भी MOI कंसिडर हो जाता है उन कंट्रीज़ में। जैसे हम लाटविया की बात करते हैं, लाटविया में रिसेंटली TSI जो मैंने आपको बताया, उसके बाद माल्टा है, माल्टा में लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स है, वो MOI के बेसिस पे एडमिशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्लस फ्रांस में अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली वी रिसीव्ड अ वीज़ा फॉर फ्रांस लाइक डे बिफोर यस्टरडे ओनली। वो जो इंस्टीट्यूट है वो है EMA पेरिस, ठीक है। वहाँ पर भी आप अपना MOI के बेसिस पे इनिशिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन। साथ में आपका फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस में आपका एक बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन है, उनका भी एक कैंपस है, दैट इज़ PPA बिजनेस स्कूल। सो PPA बिजनेस स्कूल ऑल्सो कंसिडर्ड एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ MOI, बट द थिंग इज कि स्टूडेंट रिसेंटली विद इन टू ईयर्स उसका प्रीवियस एजुकेशन कम्प्लीट होना चाहिए। बैचलर्स के लिए जैसे जर्मनी में 13 ईयर्स का एजुकेशन रिक्वायर्ड है, हेयर वी डू नॉट हैव एनी सच रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट 12 ईयर्स के एजुकेशन के साथ बैचलर्स के लिए प्रोसीड कर सकता है। स्कॉलरशिप वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप इन लाटविया, बट येस यूनिवर्सिटी डू प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स बेसिस ऑन देयर अकेडमिक स्कोर। सो हाँ, मेरिट बेस, सो स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर मेरिट बेस स्कॉलरशिप्स एज वेल। यहाँ अगर हम ट्यूशन फी की बात करते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो ऑलमोस्ट ट्यूशन फी रहता है वो सेम ही रहता है, इन बिटवीन 4,000 यूरोज़ टू 5,000 यूरोज़। कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो 3,500 यूरोज़ भी है, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी का जनरली जो QS रैंकिंग है, देखिए मेनली डिफरेंस क्या रहता है, QS रैंकिंग की तरफ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाते हैं,
वो ये सोचते हैं कि अगर QS रैंकिंग बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो यूनिवर्सिटी अच्छी होगी या वहाँ का जो प्रोग्राम करिकुलम है वो यूनिक होगा, विच इज़ समवेयर ट्रू ऑल्सो, बट द थिंग इज़ कि अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटी से या किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूट से प्राइवेट इंस्टीट्यूट को अगर कंपेयर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम QS रैंकिंग के बेसिस पे डिसीज़न नहीं ले सकते कि आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी का अगर हम इस्टेब्लिशमेंट देखें तो वो काफ़ी पुराना है, तो डेफिनेटली अगर वो सिस्टम में इतने टाइम से है तो कहीं ना कहीं उसका QS रैंकिंग भी, क्योंकि इतने टाइम से है, स्टूडेंट्स वहाँ पे कोर्स करिकुलम कई बार चेंज हो रहा है, कोर्स करिकुलम की अभी करंट रेटिंग क्या है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वहीं जो अगर आपकी न्यू यूनिवर्सिटी कोई भी न्यू इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है और वो क्योंकि न्यू इस्टेब्लिश्ड है तो वो उसका जो QS रैंकिंग होगा डेफिनेटली वो नहीं होगा। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि स्टूडेंट कई बार ये डिसीज़न ले लेते हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग अगर शो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये इंस्टीट्यूट या ये यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को जो करिकुलम है यूनिवर्सिटी का वो एक बार गो थ्रू करना चाहिए। करिकुलम गो थ्रू करने के बाद व्हाट आर दी प्लेसमेंट सर्विसेज दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विल गोइंग टू प्रोवाइड टू दी स्टूडेंट, ये सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट थिंग है। कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो जनरली होती हैं वो लोग आपका जो मेन फोकस करते हैं वो कोर्स करिकुलम पे करते हैं, कोर्स करिकुलम अपडेट करके रखते हैं, बट द थिंग इज वो प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो ज़्यादा फोकस नहीं होते प्लेसमेंट के लिए। वहीं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके करिकुलम के साथ साथ प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए भी फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो अभी न्यूली ओपनड है तो अगर वो प्लेसमेंट पे फोकस नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर उनके पास स्टूडेंट्स, उनको उतने स्टूडेंट्स रिक्रूट वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑप्ट करता है और वहाँ का करिकुलम अच्छा है प्लस उसका जो प्लेसमेंट, आप देखेंगे तो करियर का पोर्टल होता है हर यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर उनके प्रॉस्पेक्ट कंपनीज़ वो लोग मेंशन करते हैं कि ये कंपनीज़ वो बुलाएंगे प्लेसमेंट के लिए या स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देंगे वहाँ पर प्लेसमेंट में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए। तो स्टूडेंट को वो चीज़ें कंसिडर करना चाहिए, तो उसमें कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एज़ कम्पेयर विद पब्लिक यूनिवर्सिटी।